नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस, उनके आंसर्स ऑब्जेक्टिव रूप में। तो इसमें अभी तक हम लोग इंडिया जी के देख चुके हैं, वर्ल्ड जी के देख चुके हैं, कंप्यूटर जी के देख चुके हैं, पॉलिटिकल जी के देख चुके हैं, और बायोलॉजी से संबंधित आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उन्हें भी देख चुके हैं। आज से हम शुरू करेंगे भौतिक विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये सभी ऑब्जेक्टिव रूम में होंगे आपके, ठीक है? तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा? वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आप लोगों को बता देना है समतल दर्पण से। किससे? समतल दर्पण से। पहले क्वेश्चन में आपका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन है आपका दूसरा, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, तो यह आपका समतल उत्तल दर्पण, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका तीसरा, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो याद रखना है उल्टा, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा चार, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। क्वेश्चन है हमारा पाँच, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पांचवे में आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा छठवां, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, सीधा और आभासी, तो क्वेश्चन नंबर छः में आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका सातवां, आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो याद रखना है परितारिका, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका आठ, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, चपटा, सूर्य कैसा दिखता है? चपटा। क्वेश्चन है आपका नौवा, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण है समतल, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा दसवा, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, कैसा होता है? काल्पनिक। क्वेश्चन है ग्यारह, क्या है क्वेश्चन नंबर? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो याद रखना है मिट्टी नहीं की जा सकती है, जल प्लास्टिक और कांच प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन है हमारा बारह, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, कैसी होती है? धनात्मक। क्वेश्चन है हमारा तेरह, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो याद रखना डायोप्टर, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा चौदह, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है अपवर्तन, क्या कारण है? अपवर्तन। क्वेश्चन है पंद्रह, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है अपवर्तन, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका सोलह, क्या है क्वेश्चन? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, द्वारक, क्या कहते हैं? द्वारक। क्वेश्चन है हमारा सात सत्रह, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका अठारह, रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग
प्रयोग करता है। अवतल दर्पण, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 19, हीरा का अपवर्तनांक है, हीरा का अपवर्तनांक है 2.42। क्वेश्चन है हमारा 20, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 21, क्या है, टॉर्च से किस प्रकार की विकास पुंज की प्राप्त होती है, तो याद रखना संसरित प्रकाश पुंज, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 22, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो याद रखना है ये होता है वास्तविक और उल्टा, कैसा होता है वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन है हमारा 23, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है सिलियरी पेशियों द्वारा, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 24, किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है, किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 25, आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है, आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है, तो याद रखना है परिवर्ती द्वारक की भांति, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 26, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है अनंत पर, किस पर होता है अनंत पर। क्वेश्चन है हमारा 27, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखना है वास्तविक प्रतिबिंब, कैसा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्वेश्चन है 28, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, तो यह है आपका लाल रंग, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 29, किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का, किसका है ऊर्जा का। क्वेश्चन है आपका 30, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, तो याद रखना है टंगस्टन का, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 31, प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर, ओम मीटर। क्वेश्चन है हमारा 32, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, क्या कहते हैं जनित्र, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 33, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस, बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है आपका 34, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है उत्तल लेंस, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 35, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा होता है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 36, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, तो याद रखना है छोटा, कैसा होता है छोटा। 37, दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं दूर की वस्तुओं को, क्या है सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 38, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे कहते हैं अंध बिंदु, क्या कहते हैं अंध बिंदु, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 39, मानव नेत्र में होता है, मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस। क्वेश्चन है हमारा 40, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है लाल, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 41,
वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो याद रखना है 2 मिनट। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 42। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? इंद्रधनुष आपका प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 43। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 44। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है रेटिना। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 45। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 46। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्ट धारा। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 47। क्या है 47 क्वेश्चन? व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? तो आपको बता देना है विद्युत चुंबक का। क्वेश्चन है हमारा 48। क्या है? मानव के वे 2 महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो याद रखना है हृदय तथा मस्तिष्क। सी ऑप्शन सही है 48 में। क्वेश्चन है 49। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयाग किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो आपको बता देना है नरम लोहे का। किसका? नरम लोहे का। क्वेश्चन है आपका 95। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो याद रखना है फैराडे ने। किसने? फैराडे ने। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 51। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 42। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना पेशीय ऊर्जा का। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 53। ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? तो ये आपका सूर्य। किसे? सूर्य को। क्वेश्चन है आपका अगला 54। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो आपको बता देना है सौर ऊर्जा। क्वेश्चन है आपका 55। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है सूर्य। क्या है? सूर्य। क्वेश्चन है आपका 56। क्या है? डेनमार्क को कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है पवनों का देश। क्या कहते हैं? पवनों का देश। क्वेश्चन है आपका 57। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। क्वेश्चन है आपका 58। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? तो याद रखना है आपको सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 59। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो CNG का उपयोग नहीं किया जाता है। LPG बायोगैस कोयला का किया जाता है। क्वेश्चन होगा आपका अगला 60। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो याद रखना हरित लवक। क्या है? हरित लवक। क्वेश्चन है आपका 61। कार्य का मात्रक है? कार्य का मात्रक है जूल। क्या है कार्य का मात्रक? जूल। क्वेश्चन है हमारा 62। प्रकाश वर्ष इकाई है? प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की।
62 में सी। क्वेश्चन है 63, पारसेक इकाई है, याद रखना दूरी की। क्वेश्चन है हमारा 64, निम्नलिखित में समय का कौन सा मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष नहीं है, इसमें अधिवर्ष है, चंद्रमा है, लेकिन प्रकाश वर्ष नहीं है। क्वेश्चन है आपका 65, दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक है पास्कल, क्या है पास्कल। क्वेश्चन है हमारा 66, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडला, कैंडेला, ठीक है बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 67, मातकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, 1971 में, कब की गई 1971 में। क्वेश्चन है हमारा 68, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, कैलोरी में, किस में कैलोरी में। क्वेश्चन है हमारा 79, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। क्वेश्चन है हमारा 70, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 71, एम्पियर क्या नापने की इकाई है, करंट, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में कौन वेक्टर मात्रा है, बल। अगला क्वेश्चन है हमारा 73, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है तो द्रव्यमान नहीं है, वेग है, संवेग है, कोणीय वेग है। क्वेश्चन है हमारा 74, अदिश राशि है, अदिश राशि आपकी ऊर्जा है। क्वेश्चन अगला है हमारा 75, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है, संवेग, क्या है संवेग, सदिश राशि है। क्वेश्चन है 76, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो ये आपकी द्रव्यमान, क्या है द्रव्यमान। क्वेश्चन है आपका 77, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन है हमारा 78, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये थे आपके न्यूटन साहब, कौन थे न्यूटन साहब। क्वेश्चन है हमारा 79, पास्कल इकाई है दाब की, पास्कल इकाई है दाब की। क्वेश्चन है हमारा 80, क्यूसेक से क्या मापा जाता है, जल की भराव, क्या मापा जाता है जल की भराव या जल का भराव। क्वेश्चन है हमारा 81, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, स्टील, क्या है स्टील है। क्वेश्चन है हमारा 82, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है, ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 83, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, तो याद रखना है 1/6 भाग। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, तो याद रखना है 1/6 भाग, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 84, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आर्किमिडीज का नियम आपका पेलोवन का नियम से संबंधित है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 85, श्यानता की इकाई है वाइज, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 86, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है,
सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 87, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 88, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 89, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है घनत्व, क्या है? घनत्व है। क्वेश्चन है 90, क्या है क्वेश्चन? वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो याद रखना घनत्व। क्वेश्चन है हमारा 91, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो याद रखना तृतीय नियम। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो याद रखना है आयतन नहीं है सदिश। क्वेश्चन है हमारा 93, एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम आपका तरंग दैर्ध्य मापता है। क्वेश्चन है 94, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 95, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन है आपका 96, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? पेस्ट तनाव। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पे द्रव का घनत्व सबसे कम है? पेट्रोल का। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 98, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो याद रखना है 746 वाट के। क्वेश्चन है आपका 99, वर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण से संरक्षण पर? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 100, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में आपका ए ऑप्शन है। तो चलिए ये थे आपके 100 क्वेश्चंस भौतिक विज्ञान से संबंधित। आगे 101 से हम लोग बात करेंगे।